अर्चना जी, आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं उनके स्वागत का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो खुद ही पूछ लेते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान। सलमान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके फैंस की कुछ ये शिकायत थी कि आप जब भी सलमान भाई आते हैं आप फिल्मों की बातें करते हैं और बातें करते हैं। उन्होंने कुछ सवाल भेजे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रोहतक हरियाणा से गीता पूछ रही है कि आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? काफ़ी टाइम, ढाई तीन घंटे चले जाते हैं। और एक्चुअली जिम का वो इतना नहीं कि आप कितना टाइम जिम में बिताएं, इज यू नीड टू बी दैट मच मोर डिसिप्लिन आउटसाइड द जिम। जिम आजकल जिम नहीं है, जिम के बाहर जो खाना पीना जो अंदर जाता है, डाइट वगैरह और हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट की थिंग। भाई मैंने ये भी जब भी कभी आपको खाना खाते हुए देखा है, मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई 50-60 आदमी होगा जी। तो मुझे डाइटिंग वाला तो कुछ सामान दिखता नहीं उसमें कोई। हाँ लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट करेक्ट चीज ही खाता हूँ, और फिर जैसे कि आप वहाँ पर हो फिर आपको भी खिला देता हूँ। हाँ। एक बार अरबाज ने बोला था, इतना छोटा आता होगा ना, अरबाज ने बोला था एक बार इंटरव्यू में कि हम तीनों भाइयों में से सलमान इज द मोस्ट डिसिप्लिन, खाने में भी कंट्रोल कर लेता है और हम दोनों लेजी हो जाते हैं, सलमान सोहेल एंड मी, बट यू आर द मोस्ट डिसिप्लिन। भाई नागपुर से बबीता जी पूछ रही हैं। बबीता जी? हाँ जी। पूछ रही है एक कि गीता और एक बबीता ही दोनों बहने हैं भाई। फोगट सिस्टर। ये पूछ रही है कि बेड पे जब आप लेट जाते हैं तो लेटने के कितनी देर बाद आपको नींद आती है? देखो वो तो आपको घर पे ही आके देखना पड़ेगा। गुड़गांव से विनोद जी पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप कितना टाइम बिताते हैं? जितने भी ट्वीट आते हैं जी, अच्छे वाले मेरे होते हैं। अच्छा। कंट्रोवर्सी वाले मेरे नहीं होते वो। ट्विटर बहुत डेंजरस जगह है। या या वेरी एंड कपिल नोज दैट। भाई ये कंप्लेंट करनी थी आपसे अर्चना जी की, मोदी साहब से करो ये। भाई शो टेलीकास्ट नहीं होता ये, उस आधे से ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे दिखा देती हैं। शो के जो फुटेज होती है ना वो नहीं दिखाती, बैक स्टेज बिहाइंड द सीन्स दिखाती है, पर्दे के पीछे। उस दिन तो चैनल को फोन करी थी कि बोलते मुझे ऑफिस में आना है, आके आपका स्टाफ भी दिखाना है। तो एनीवे जेलस दिस फ्रूट्स दे आर रियल फ्रूट्स। भाई एक्चुअली हम लोग फ्रूट इसलिए भी यूज नहीं करते, जैसे कुछ सेब अनार वगैरह हमारे वो सपना आती है ना। हां वो खा जाती है, मैं कुछ वो खा जाती है, लगा जाती है। सब जानते हैं कि सोनाक्षी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी दबंग से, आज आपका डेब्यू होने जा रहा है। सोनाक्षी आपने फिर इनको मुबारकबाद दी कि मुबारक हो आपको द कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? हमारे मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी चप्पल पे गोबर लग जाता ना? या ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, फेंक रहा हूँ कुछ भी, तो आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं। हेलो सर, हेलो सलमान सर, हेलो सोनाक्षी मैम, हेलो हेलो कपिल सर, हेलो। मेरा नाम उमंग है, मुझे अभी थोड़ा फोबिया हो गया है जिप वाली पैंट से, तो लाइक मैं अटक गया होगा बचपन में। हाँ चलो आगे बोलो। तो लाइक मैं इवेंट होस्ट करता हूँ, सो एक दिन मेरा एमसी था इवेंट का, सो मैं घाई घाई में एज यूजुअल लेट पहुँचा, बट सर घाई घाई में मैं मेरी पैंट की जिप बंद करना भूल गया, तो सर ब्रेक मिला तो एक लड़की आई सर, बोली उमंग तब पता चला सर। लेकिन जिप्स ना, जिप्स बचपन में ना बहुत डेंजरस होती है, बहुत दुख देती है। ओह गॉड, बहुत दुख देती है। हाँ तो इसलिए खतना करवाना जरूरी होता है। या तो जिप्स से खतना करवा लो। एक रितेश और तुषार के साथ एक हम शो कर रहे थे लंदन के अंदर। अच्छा जी। और उनका एक एक्ट था जो उनको पैंट उतारनी थी और उनके बॉक्सर्स हैं, तुषार थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने दोनों ही निकाल दिए। दैट इज राइट देयर। पर एटलीस्ट इनके कपड़े गिरे थे, मैं तो खुद गिरी हूँ रैंप पे एक बार। हाँ? दबंग की सक्सेस पार्टी का दिन था, मुझे क्लियरली याद है, मैं शो करने गई थी और बहुत हड़बड़ी में थे सब लोग, तो रिहर्सल का टाइम वाइम नहीं मिला था, मुझे लगा था रैंप होता क्या, मतलब जाके सीधे चल के आना है वापस,
एक ही वो लेवल होता है. मैं चली गई अपने गाउन पहन के वहां पर, और वो ड्राई आइस होता है ना, तो वो हुआ पूरा छाया हुआ दिखती नहीं है. तो मैं अपना चलने लगी, दौड़ ऐसे और बोलते रैंप पे सीढ़ियां कौन डालता है, सब डालते हैं. नहीं कोई नहीं डालता. मेरे दिमाग में तुषार घूम रहा अभी तक. भाई आप इतने लोगों को ब्रेक दिया है, अरबाज भाई आपके साथ तो मेरी पुरानी मोहब्बत है, हम लोग साथ में काफी काम किया है. मेरे को एक ही तो फिल्म की है, काफी क्या काम किया है. तो कॉमेडी सर्कस स्कूल में वो एक्चुअली रातों को शूट किया ना, इतनी नींद में. अरबाज भाई किस दिन मेरे को एज ए सिंगर लॉन्च कर दो आप, देखी जाएगी. चले कोई जवाब ही नहीं अरबाज भाई. ओके तो मैं कोई और सवाल पूछूं. कोई बात नहीं अरबाज, हाँ बोल दो, बिकॉज यहाँ पर. चलो हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि बहुत सारे आए हैं जिन्होंने हाँ बोली. दे दो आइडिया, दे दो आप, दे दो आइडिया. किसको प्यार करे टू का क्या हुआ था, अपन करने वाले थे. अरे मैं आपसे काम मांग रहा हूँ, आप मेरे से मांग रहे हैं. हाँ तो क्योंकि भाई वो बैठे राइटर सामने, किस किस को प्यार करूँ. शो अच्छा चल रहा है भाई, इससे इतने पैसे मिल जाते, उनका मन ही नहीं कर रहा. शादी के बाद सुन के एकदम प्यास. सुदीप सर वाई फीलिंग थर्स्टी, एकदम से शादी की बात हुई प्यास लग गई, होंठ सूख गए आपके. सर बेटर टू फील थर्स्टी आफ्टर मैरिज सर. सलमान भाई थोड़े दिन पहले ना साजिद नाडियाडवाल आए थे. आदमी थर्स्टी होता है इसलिए शादी करता है. की प्यास बुझी हुई है. अगर सलमान खान प्यासा रहने लग गए तो फिर आप समझ जाओ क्या होने वाला. दुनिया खत्म है फिर तो. दबंग 3 जब अनाउंस हुई थी ना, तभी उसका प्रोमो देख लिया था मैंने. चल झूठी, तब तो बना ही नहीं था ट्रेलर. नहीं मैं दबंग 1 का 3 बार देखा ना, मेरे तो दबंग 3 हुआ है ना. इतना अच्छा लगना हर बार में आते सपना, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो. थैंक यू. जोक्स भी तुम्हारे वैसे के ही वैसे. बस वैसे के वैसे भी टीआरपी भी आ रही है. कोई टेंशन नहीं रहता. और हम भी तो आ रहे हैं. अरे आप भी आ रहे हो, आप मेन तो आप लोग हैं. सही रे. खैर मैं क्या बोल रही थी, घर में सब ठीक बने, डैडी सब ठीक बने, सब हालचाल ना ठीक. आज बड़ी भोजपुरी बोल रही है तू. हाँ तो वो बिहार की बेटी है, वो भोजपुरी बोल रही है, तो तेरे लिट्टी में इतना चोखा क्यों हो रहा है. ज्यादा बोलेगा ना तेरा वड़ा पाव कर देगी. मैं इधर वड़ा पाव तो महाराष्ट्र का होता है. हाँ तो रहना तो हमको महाराष्ट्र में ही ना, अब सरकार भी महाराष्ट्र की आ गई है. जय महाराष्ट्र. सलमान भाई आपके एक और मसाज है, जय हो मसाज. जय हो. इसमें क्या होता है? ये ना जय नाम का जो अजमी रहता है ना. उसी का रहता है ये मसाज. उसको हम बुलाते हैं, उसका कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, फिर उसका इधर आँख का बाल, आईब्रो का बाल, सर का बाल, बदन का सारा बाल निकाल लेते हैं. आई रब्बा. नो? फिर वो जागता है तो हम उसको पूछते हैं जय हो. वो बोलता है हाँ, लेकिन हम बोलते लगते तो नहीं हो. भाई अपन बहुत गरीब आदमी है भाई, बहुत गरीब आदमी है भाई. हाँ तो दिख ही रहा है. ए लुंगी ठीक कर दे. क्या करते पैसे ना इधर. भाई अपन बहुत गरीब आदमी. भाई अपन सच बोलता, अपन का ऐसा हालात चल रहा है ना कि जब डॉक्टर मेरे को बोलता है ना कि जाके अपना ब्लड का सैंपल लेके उसका रिपोर्ट मांगता है, मेरे को बाहर से खरीदना पड़ता है ब्लड, उसके बाद में रिपोर्ट निकलता है. काहे के अपन के अंदर ब्लड इच नहीं है. अपन क्या बोलता है ना, एक बार अपने के साथ मेरे को काम करने का मौका दो. आपके बाप का, दादा का, भाई का, सबका गाड़ी पैसा कपड़ा मारेगा सामने. और कभी कभी आपको भी लगने लगेगा कि मैं चाप का माली है, मैं चाप का ड्राइवर है और मैं चाप की मेड है. भाई सच में भाई अपन बहुत फास्ट भी है भाई. क्या ना बैंड्रा से बल्ली सीलिंग को 15 मिनट में टच करके वैसे कीता जी आपको पता है आप यहाँ पे आ रहे थे तो अर्चना जी पूछ रही थी कि आप साउथ से आ रहे हैं तो कुछ इडली बिडली साथ में लाए हैं क्या, क्योंकि ये सांबर ऐसा इकट्ठा करके बैठी यहाँ वेट कर रही है. इडली डालना है अंदर. कीता जी इनके हस्बैंड का भी एक सवाल था, वो कह रही थी जैसे आप साउथ में रहते हैं
तो साउथ में सारे घर साउथ फेसिंग होते हैं। ओह गॉड, खींचा। ये अच्छा था, गुड वन, गुड वन, आई लाइक इट ब्रो। बेटे आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो, लेकिन आपका मुंह नहीं पसंद आया तो नहीं आया। आई हेट।